Hello, welcome to this session. मैं अरविंद सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज की सेशन सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही अहम है। ये सेशन इसलिए अहम है क्योंकि यही वो हर्डल है जिसको अधिकतर बच्चे पार नहीं कर पाते। मतलब जैसा कि पहले कहा था सीसेट, और सीसेट में क्या है तो सीसेट में सबसे जो क्रूशियल और डिसीजिव पार्ट है वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना चाहिए ये हम बताएंगे। आप सब लोग जुड़े और शेयर कर लें एक दूसरे के साथ ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके। और मैं अपनी बात सिलसिलेवार ढंग से आज मैथमेटिक्स की तैयारी पे फोकस रखूँगा और इसके बाद जो आगे होगा उसको भी अंत में बताऊँगा कि उसके आगे क्या करूँगा मैं। आज मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से आत्मसात कर लेंगे, मतलब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको रूटीनली फॉलो करेंगे तो आप इस एरिया में पारंगत हासिल कर पाएंगे। ये एरिया वैसे तो जिनको आता है उनके लिए आसान होता है अपेक्षाकृत, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए ये बहुत ही एक दिवा स्वप्न की तरह है और उनके लिए बहुत ही कठिन है। मैंने अपने पिछले 30 साल के से अधिक की टीचिंग में ये देखा है। सिविल सेवा पढ़ाते हुए भी काफ़ी अरसा हो गया जैसा कि मैंने पिछले समय में बताया था। ऐसे बहुत से ऐसे छात्र देखे हैं जिनका प्रारंभिक परीक्षा क्लियर नहीं होता, उनके लिखने की प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होती है और उनका नॉलेज का दायरा इतना बड़ा होता है कि वो मुख्य परीक्षा में शामिल हों तो निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं जो प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं पास कर पाते। ये मैथमेटिक्स सीसेट लागू होने के पहले भी आता था। पहले 150 जीएस के क्वेश्चन आते थे, उसमें से मेंटल एबिलिटी अर्थात मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला के 25 से 35 क्वेश्चन तक हुआ करते थे। उस समय ये इतना ज़रूरी नहीं था, इसलिए ज़रूरी नहीं था कि 150 क्वेश्चन में से 80-85 क्वेश्चन जो लोग सही कर पाते थे उनका सिलेक्शन हो जाता था प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये 30-35 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जो आते थे वो अगर इग्नोर भी कर दें या इवन पूरा का पूरा सेगमेंट इग्नोर कर दें तो तब भी उनका काम चल जाता था और वो पास हो जाते थे। मुझे ध्यान है जब मैं छात्र था तो मेरे ही नाम के एक मेरे मित्र हुआ करते थे अरविंद कुमार मिश्रा, अभी केवी में हैं और प्रिंसिपल हैं। लेकिन उस समय जैसे ही उनको सवाल में दिखता था कि राम अपने घर से 5 मीटर उत्तर, तो वैसे ही वो समझ जाते थे ये मैथमेटिक्स का सवाल है और उसको छोड़ देते थे। यानी कुछ लोगों को की फोबिया इस कदर है, डर इस कदर है कि जैसे ही कोई नंबर देखते हैं उनको ये लगता है कि ये तो मैथमेटिक्स है और ये मेरे बस का नहीं है। उनका मनोवैज्ञानिक जो सोच है वो गणित को लेकर के इतनी नकारात्मक है कि उनको मैथमेटिक्स सुन के ही कि मैथमेटिक्स है इसमें मैथ लगेगा, उनका दिमाग जो है वो घंटी जो है वो बजने लग जाती है कि इसको छोड़ देना है। कई छात्र ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर ये जो गणित है इसमें एक्स वाई जेड को बिना क्या सवाल नहीं हो सकता। कई बार जब लिख देते हैं कहीं पर कि माना कि क्रय मूल्य एक्स, लोग लिखते हैं, हालांकि हम नहीं लिखते, हमारा सोच हमारा तरीका हमारा थॉट प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है जो कि फंडामेंटल मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग है। तो जैसे ही कहीं एक्स लिखा जाता है तो बच्चा ये कहता है कि सर माना कि जैसे लिखा हो क्रय मूल्य एक्स,
कहता है क्रय मूल्य 10 रुपया हो सकता है, 50 रुपया हो सकता है, 100 रुपया हो सकता है, 1 रुपया किसी का क्रय मूल्य कैसे हो सकता है। और ये बात उसके समझ में नहीं आती क्योंकि वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि क्रय मूल्य एक्स कैसे हो सकता है। तो डर इस कदर है कि जैसे ही एक्स वाई जेड 2, 4, 5, 10, 20 दिखता है, लोग इससे पूरी तरह से डर के खौफ में आ जाते हैं और मैथमेटिक्स सोच करके उनको दिक्कत होती है। आज का हमारा ये सेशन मैथमेटिक्स के उन डरावने स्वप्न को दूर करने की कोशिश होगी और जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं उनको भी एक सही मार्गदर्शन क्या होना चाहिए और कम समय में कैसे अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट को तैयारी कर सके, इस पर फोकस रहेगा। एक बात और बताता चलूं कि जो लोग समझते हैं कि मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी है, अगर उनको भी एक कंसेप्चुअल अप्रोच नहीं आता तो परीक्षा में वो भी फेल हो सकते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है ये 33% ही लाना। कारण कि यहाँ मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं होता, यहाँ पे उन चीज का टेस्ट होता है जो हमारे दैनिक जीवन में मीन्स एवरी डे लाइफ में यूज होता है और इस प्रकार से उनका एप्लीकेशन होता है, डायरेक्ट मैथमेटिक्स नहीं होता। और जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता तो दिक्कत तो हो सकती है। क्या पढ़ना है पहले इस पर हम फोकस करते हैं, फिर बारी बारी से हम उन बातों पर भी चर्चा करेंगे कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज के सेशन में एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत है और मैं अरविंद सिंह शुरू करता हूँ आज के सेशन में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सीसैट में जो जैसा कि हमने पहले कहा है कि सीसैट में कई सेगमेंट है, आज हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। मैथ्स में मैथ्स 4 भागों में बांट सकते हैं, जो मैथमेटिक्स है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स या फंडामेंटल मैथमेटिक्स, फंडामेंटल मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स फंडामेंटल मैथमेटिक्स। दूसरा होता है लॉजिकल मैथमेटिक्स, लॉजिकल मैथमेटिक्स। और तीसरा होता है एनालिटिकल मैथमेटिक्स, एनालिटिकल मैथमेटिक्स। ये हम कैटेगरी में बांट सकते हैं। और एक चौथा पार्ट भी होता है जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स का ही हिस्सा है, इसको कह सकते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स, कमर्शियल मैथमेटिक्स जो कमर्स के लिए इस्तेमाल होंगे, राइट। तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, आप में से कई सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक क्यों बता रहे हैं, ये तो सिलेबस में लिखा होगा। आश्चर्य की बात है कि इसका सिलेबस यूपीएससी के द्वारा डिफाइन है ही नहीं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस डिफाइंड नहीं है, उनके हिसाब से सिर्फ लिखा गया है बेसिक न्यूमेरेसी, बेसिक न्यूमेरेसी लिखा हुआ है सिलेबस में, बाकी क्या आएगा ये नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें क्या आता है और क्या आ सकता है, क्या आएगा, ये सारी बातें एक ही चीज के इर्द गिर्द है कि मेंटल मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए और उस मेंटल मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या चीजें आपको सीखनी है वो हम बताते हैं, ठीक है। सो पहला जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स में टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। हम एक एक करके बात करते हैं। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में कह सकते हैं संख्या पद्धति, पद्धति। इससे क्वेश्चन आते हैं हर एक साल, इससे क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में जो है वो संख्या पद्धति है और संख्या पद्धति से क्वेश्चन लगातार हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो एक दो एग्जांपल देते हैं। लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन लेते हैं, आप भी जरा सोचिए थोड़ा, आप लोगों से भी आज कुछ मैं पूछने वाला हूं और उम्मीद है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आंसर भी देंगे।
पहला क्वेश्चन जो पिछले साल आया था इस टॉपिक से, वो आया था कि 1 से 1000 तक अंक 3 कुल कितनी बार आएगा। 1 से 1000 तक की अगर गिनती लिखी जाए तो अंक 3 कुल कितनी बार आएगा। ये बीएससी एमएससी के सिलेबस में नहीं है, ये किसी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाई जाती, एक कॉमन लॉजिक कॉमन सेंस है। क्या बता पाएंगे? जरा सोचिए सोचिए कि 1 से 1000 तक, और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम देखना चाहते हैं कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता है। 1 से 1000 तक अंक 3 कुल कितनी बार आएगा, ये यूपीएससी के 2019 के प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम से आया था। बता पाएंगे आप? सोचिए जरा, 1 से 1000 तक अंक 3 कुल कितनी बार आएगा? आया किसी का जवाब? किसी का जवाब नहीं आया अभी तक। देखिए, है ना कॉमन क्वेश्चन, ये पहले लोग गांव में पूछ लेते थे, उस तरह का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। इसी तरह का एक पिछले साल का, उसके पहले का क्वेश्चन पूछ लेता हूं नंबर सिस्टम से, जो पूछा गया था कि 1 से लेकर के एक आदमी 700 मिस्टर लाल 714 पेज की किताब लिखे और प्रत्येक पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए उनको टाइपराइटर की कीबोर्ड को कुल कितनी बार दबाना पड़ेगा, यह सवाल था। यह भी एक बढ़िया सवाल है, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये किसी सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि ये किसी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं किसी किताब में मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। पहले सवाल का जवाब मैं बता देता हूं, पहले सवाल का जवाब है 300, अंक 3 300 बार आएगा। और दूसरे सवाल, इसी तरह से आप खुद जवाब सोचिए, तब तक मैं आपको कुछ और टॉपिक के बारे में बताता हूं। तो ये है पहला नंबर सिस्टम, दूसरा है एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुतम तथा महत्तम समापवर्तक, तथा महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है। ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम क्लास में जब भी एंट्री करते हैं तो अधिकतर बच्चों से पूछते हैं जब कि भाई आपको लघुतम महत्तम आता है, बहुत सारे बच्चे हाथ उठाते हैं मुझे आता है। जब एक सवाल पूछता हूं कि अच्छा बताइए कि √2, √4 और √8 का लघुतम क्या होगा, √2, √4 और √8 का लघुतम क्या होगा, ये सवाल है। क्या आप लोग बता पाएंगे, कितने लोग बता पाएंगे ये कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा √2, √4, √8 का? ये बात मैं एक बार एक वाक्य बताता हूं, एक सेकंड लगेंगे। मैं अपने सिस्टर के यहां गया था और हमारे भगिना भगनी को पढ़ाने के लिए एक टीचर आए हुए थे, वो पढ़ा रहे थे लघुतम, और देख रहे थे कि वो बता रहे थे कि लघुतम निकालते कैसे, और बार बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे किसी सवाल में कि इसमें लघुतम निकालना है कि महत्तम निकालना है, लैंग्वेज का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए, टीचर खुद क्लियर नहीं है कि लघुतम क्यों निकालेंगे, तो मैं वहां पे बैठा हुआ था ऐसे ही, हमने पूछ दिया कि सर बताइए इसमें लघुतम क्यों निकालेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि लघुतम क्यों निकालेंगे। पूछा लघुतम होता क्या है, यह भी उनको नहीं पता था कि लघुतम क्या होता है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, लघुतम तो वो होती है जो हम निकालते हैं और संख्या से जो भाग दे देते हैं, या भाग दे के ऐसे निकालते हैं, जैसे 2, 4, 6 का लघुतम निकालना है तो हम निकाल देते हैं कि 12 आता है, लेकिन लघुतम होता क्या है ये बात उनको भी नहीं पता थी। और आई एम श्योर कि आप लोगों में से भी जितने लोग देख रहे हैं सबको ये जरूर बताया होगा कि लघुतम निकालते कैसे हैं, लेकिन लघुतम होता क्या है ये नहीं पता होगा, क्योंकि ये अगर पता होगा तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दे पाएंगे। चलिए एक दूसरा सवाल ऐसा पूछ लेता हूं कि √2 और √3 का लघुतम क्या होगा, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, आप शायद नहीं दे पाएंगे। अगर जवाब है तो दीजिए कमेंट बॉक्स में, इंतजार कर लेता हूं। है किसी का कोई जवाब? देखिए, ये इन संख्याओं का लघुतम ज्ञात किया ही नहीं जा सकता,
अब क्यों नहीं किया जा सकता, ये तो बड़ा ही अजीब सी बात है। आपको शायद पहली बार सुनने को मिल रहा होगा कि लघुतम ज्ञात किया ही नहीं जा सकता, ऐसा क्या बात है भाई? लघुतम इसलिए आप नहीं बता पा रहे हैं कि लघुतम क्या है ये नहीं जानते। लघुतम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें संख्याओं से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाता है, और भागफल क्या आनी चाहिए? पूर्णांक, एक बार, दो बार, चार बार भाग दे। अगर आप रूट टू और रूट थ्री का लघुतम रूट सिक्स कहते हैं और रूट सिक्स में रूट टू से भाग देंगे तो क्या आएगा? रूट थ्री आएगा, जो पूर्णांक नहीं है। रूट सिक्स में रूट थ्री से भाग देंगे और रूट टू आएगा तो यह भी एक पूर्णांक नहीं है। तो ऐसी संख्याओं का लघुतम ज्ञात किया ही नहीं जा सकता। आई एम श्योर एक नई जानकारी आपको मिली होगी। और इसी तरह से दूसरी संख्या जो हमने दूसरा क्वेश्चन दिया था उसमें भी आप ये ज्ञात नहीं कर सकते लघुतम। तो लघुतम पहले होता क्या है ये समझ ले अगर, तो हम उसमें उसके एप्लीकेशन, कब किसी सवाल में लघुतम निकालना है, ये बात आसानी से समझ में आ जाती है। महत्तम क्या है ये समझ लें, तो किसी क्वेश्चन में महत्तम निकालना है कि लघुतम निकालना है, ये बात भी आसानी से समझ में आ जाती है क्वेश्चन पढ़ के। तो पहले इसका मतलब समझना होगा कि लघुतम क्या है और महत्तम क्या है। इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, अभी मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, अभी तो हम सब्जेक्ट की पेरिफेरी बताते हैं, वो भी दिन आएंगे जब आपको टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा। ये दो टॉपिक हो गए बेसिक मैथमेटिक्स में। इसके अलावा आपको बेसिक मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर तीसरा टॉपिक है इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, समानुपात, ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है एवरेज, औसत, औसत, एवरेज, ये चौथा टॉपिक है। और पांचवा टॉपिक इसके अंदर है प्रॉब्लम्स ऑन एज, प्रॉब्लम्स ऑन एज, उम्र पर आधारित प्रश्न, उम्र पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, ये है। इसके अलावा छठा टॉपिक है इसके अंदर सरल लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक इक्वेशन, एक रैखिक इक्वेशन, समीकरण, हिंदी में कहते हैं समीकरण, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद एक बेसिक और टॉपिक है सातवां, कहते हैं इसको द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेसिक है, इसको हम फंडामेंटल मैथमेटिक्स कहते हैं, और ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स आना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने क्लास आठवीं से लेकर के दसवीं तक अवश्य पढ़ी होगी, और टेंथ क्लास तक का इसमें सिलेबस है। बेसिक नॉलेज तो ये चाहिए, लेकिन आठवीं से दसवीं क्लास तक जो चीज पढ़ाई जाती है वो नहीं पूछी जाती, उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है इनमें। और जैसे एक क्वेश्चन आया था बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन से उम्र पर आधारित ये प्रश्न एक आया था, 2015 का क्वेश्चन है, बता देता हूं, जरा सुनिए कि एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 9 गुनी है, और माता की उम्र बेटे की उम्र की 8 गुनी है। माता और पिता की उम्र मिला करके 51 साल है, उम्र का योग 51 वर्ष है, तो बताइए बच्चे की उम्र क्या है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान सवाल है। कॉमन सेंस में अगर सोचें तो बच्चे की उम्र एक्स मान लें अगर, अब फिर यहां पे आप सोचेंगे उम्र एक्स कैसे हो सकता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का बच्चा होगा, 2 महीने का होगा, एक्स वर्ष का कैसे होगा? लेकिन एक्स एक वेरिएबल है, अनोन क्वांटिटी है जिसको हम मान लेते हैं। तब बच्चे की उम्र अगर एक्स है तो पिता कितने के हो गए? बच्चा, ये देखिए बच्चा एक्स का है, बच्चा एक्स का है मान लें, तो पिता हो गए 9x का, 9 गुनी है पिता की उम्र, और माता की उम्र कितनी है तो है 8x। अब माता और पिता मिला के 9x प्लस 8x कितने हो गए? 17x।
और माता पिता मिला के 51 साल के हैं, 1 से 51 में 17 से भाग लग गया, 17 + 51 3 साल का, तो बच्चे का उम्र 3 साल है। ये बात कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है जिसको थोड़ी सी नॉलेज होगी। तो इस तरीके से ये सवाल, ये 7 टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं, इनको आपको अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए, इनका अध्ययन जरूरी है। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में बात करें तो वो है कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स में क्या क्या होना चाहिए, व्यवसायिक गणित, कमर्शियल मैथमेटिक्स, व्यवसायिक गणित, व्यवसायिक गणित, इस गणित में क्या क्या टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। पहला टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज ये है। दूसरा प्रतिशत है, प्रतिशत आप सब लोगों को पता है, यूजुअली सब लोग बात करते हैं 10%, 20%, 40% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, लेकिन प्रतिशत का कंसेप्चुअल अप्रोच समझना जरूरी है। आप सब लोगों से फिर मेरा एक सवाल पूछने का मन कर रहा है, पूछूं? चलिए एक सवाल पूछते हैं, जरा सोचिए, और सोच के अगर जवाब देंगे तो आपको हम यहीं से बैठे बैठे अभी एक गिफ्ट आपके लिए पार्सल करेंगे आपके एड्रेस पे, ठीक है? देखिए और एड्रेस, उसके बाद जो सही जवाब देगा उस एड्रेस भेजेगा, हम उसको एक गिफ्ट देंगे, यहाँ से भेजेंगे, जितना समय आपके यहाँ जाने में लगेगा लेकिन देंगे जरूर। सवाल ये है कि जोधपुर से 1000 किलोग्राम तरबूज दिल्ली के लिए ट्रेन में लोड किया गया, वहां पर पानी की मात्रा 99% थी, ठीक है? कितनी? 99%। जब वह तरबूज दिल्ली आया 2 दिन बाद तो उसमें पानी की मात्रा 98% रह गई। बताइए तरबूज के वजन में कमी हुई या नहीं हुई? अगर हुई तो कितने किलोग्राम की कमी हुई? सोचिए सोचिए, हम आपको समय देते हैं। अगर अभी आपने फटाफट आंसर बताया कमेंट सेक्शन में तो आपका नाम और आपका एड्रेस हम आपसे कॉन्टेक्ट करके निकाल लेंगे और फटाफट कल आपके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट भेजा जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा, है कोई जवाब? फिर से एक बार सवाल दोहराता हूं, 1000 किलोग्राम तरबूज जोधपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन में लोड किया गया, जोधपुर में उसमें पानी की मात्रा, तरबूज में पानी होता ही है, कोई नई बात तो है नहीं, 99% थी। 2 दिन बाद जब दिल्ली पहुंचा तो देखा कि तरबूज में पानी की मात्रा 98% रह गई। बताइए तरबूज के वजन में कितने किलोग्राम की कमी हुई या नहीं हुई? ठीक है, इस तरह का सवाल जो हमारे व्यवहारिक जीवन में आता है, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। आंसर है, थोड़ा और इंतजार कर ले, कोई आंसर देगा क्या? पांच सौ किलोग्राम की कमी हो गई। ये आपके सोच की बाहर की बात है। अब आप सोचते होंगे 1% सिर्फ कम हुआ है और 500 किलो कैसे कम हो गया? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इस तरह के सवाल जो आपके सोच के बाहर हो आंसर, ऐसा भी आता है। ऐसा नहीं है कि सवाल वही आता है जो कॉमन व्यवहार में और कॉमन चीजें में हो रही होगी, मतलब हमारे कॉमन किताबों में होगी, व्यवहार में तो है ही, किताबों में नहीं है। अब ऐसा सवाल कैसे बनेगा या किस तरह का, क्या सोचना था? अगर सोचे तो एग्जाम्पल के लिए ये चौक की वजन मान लेते हैं कि 15 ग्राम है, अगर इसको हम चंडीगढ़ ले जाएं तो कितने ग्राम का रहेगा? 15 ग्राम। अहमदाबाद ले जाएं तो 15 ग्राम, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड की मात्रा में कोई कमी नहीं होगी, चाहे जहां भी मर्जी वहां ले जाएं हम, उतना ही रहेगा, इसका वजन कम नहीं होगा। तो अगर ये समझ ले कि वहां पे तरबूज में 99% पानी था, जोधपुर में पानी कितना था जी, 99% पानी ही सूख रहा है, और ठोस की मात्रा थी, ठोस यानी पल्प, 1%। अब 1000 किलोग्राम का 1% ठोस था वहां पे,
दिल्ली में आया तो पानी रह गया दिल्ली में 98% और ठोस रह गया 2%, बचा हुआ ठोस है। अगर दिल्ली में वजन मान लेते हैं, उसका हमें मालूम नहीं है, वजन दिल्ली में x किलोग्राम था, जोधपुर में वजन था, जोधपुर में कितना 1000 किलोग्राम, बोलिए 1000 किलोग्राम था, 1000 किलोग्राम का 1% ठोस था और x किलोग्राम का 2% ठोस है। बुद्धिमान लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं x का 2% ठोस बराबर है 1000 किलोग्राम का 1%, और ये 2 से कट गया, ये 500 बार में परसेंट से परसेंट कट गया। x क्या था दिल्ली में, वजन x आ गया 500, जोधपुर में कितना था जी 1000, दिल्ली में कितना है 500, इसका मतलब वजन में कितनी कमी हो गई 500। छोटी सी आइडिया जिससे आप बना सकते हैं, बड़ा ही आसान सा है कंसेप्ट, थोड़ा डिटेल में भी बताते हैं लेकिन अभी यहां इतना वक्त नहीं है कि और इसको डिटेल में बताया जाए, लेकिन यही सत्य है। आप इसको जैसे मर्जी वैसे वेरीफाई कर सकते हैं, यही सत्य है और यही इसका आंसर है। दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस, लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट और एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तीसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे पिछले साल यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जो गलत था, अब वही क्वेश्चन आपको बता देते हैं। गलत क्या पूछा था, पूछा कि राम ने एक सेलफोन खरीदा और मोहन को 10% के लाभ पर बेच दिया, मोहन राम को दोबारा 10% की हानि पर बेच दिया, इस प्रकार राम को कितने रुपए का फायदा हुआ। एक कंसेप्ट है कि अगर 10% बढ़ा दी जाए किसी चीज की वैल्यू और 10% फिर घटा दी जाए तो उसके मूल्य में 10^2 यानी 1% की कमी होगी। R% पहले बढ़ा दी जाए, R% घटा दी जाए तो R^2/100% की कमी होगी। ये एक फैक्ट है, एक तरीका है जिससे निकालते हैं। इसके आधार पर उन्होंने 1% का आंसर दिया था कि 1% की कमी हो गई, 1% का लाभ हो गया राम को, लेकिन ये गलत था। आप जरा सोचिए क्या सही आंसर होगा, बाद में मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा टॉपिक की बात करें। लाभ और हानि, उसके बाद डिस्काउंट और इंस्टॉलमेंट यानी छूट, बट्टा, बट्टा कहते हैं इसको, बट्टा तथा किस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट एंड इंस्टॉलमेंट एंड इंस्टॉलमेंट, ये एक टॉपिक है डिस्काउंट एंड इंस्टॉलमेंट। चौथा टॉपिक इसके अंदर आता है अब आगे टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय, कार्य तथा समय, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। पांचवा टॉपिक इसके अंदर आता है कार्य तथा समय, कार्य तथा समय, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। और इसके अंदर छठा टॉपिक है मिश्रण एवं घोल, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, ये टॉपिक है। छह टॉपिक इसके अंदर भी है, सात टॉपिक उसके अंदर भी है, और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक और टॉपिक का नाम ले लेते हैं, सातवां टॉपिक इसके अंदर भी है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये छह, सात और सात, 14 टॉपिक ये आपको ध्यान में होने चाहिए। तो ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 7 टॉपिक कमर्शियल मैथमेटिक्स का है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, जैसे लाभ और हानि की बात कर लें, इसमें पूछा, एक सवाल पूछते हैं, आप जरा सोचिए, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललन, ललन भाई साहब हैं कोई,
जो गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से 300 रुपया में 4 किलो ज्यादा गेहूं खरीद पाते हैं। अब बताइए गेहूं का वर्तमान मूल्य क्या है, सोचिए जरा, सोच पाएंगे? 20% रिडक्शन इन प्राइस ऑफ इट, मैन एनेबल टू परचेज 4 kg मोर व्हीट फॉर ₹300, व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी, ये सवाल है। 300 रुपये में 4 किलो ज्यादा गेहूं खरीद रहे हैं 20% कमी की वजह से। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या पढ़े हुए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जिनकी अच्छी है, जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स, वो क्या मानते हैं कि माना कि गेहूं का पुराना मूल्य ₹100 प्रति किलोग्राम, 20% की कमी होने से मूल्य होगा कितना, तो x माइनस x का 20%, फिर उसका मूल्य निकल जाएगा पहले की मात्रा बाद की मात्रा, फिर घटा करके उनका इक्वेशन एक निकालेंगे और लिखेंगे कि 4 किलो है बाद वाली मात्रा, पहले वाली मात्रा से 4 किलो ज्यादा। एक आम आदमी लेमैन कैसे सोचेगा, सोचेगा कि अगर 100 रुपये का कोई चीज मिल रहा है 10% सस्ता हुआ तो 90 का मिलेगा, क्लियर है? 100 रुपये का चीज अगर 10% सस्ता हुआ तो 90 का मिलेगा, 20% सस्ता हुआ तो 80 का मिलेगा, यानी 100 रुपये में 20 रुपये की बचत होगी। तो 300 रुपये में कितने की बचत हो गई जी, 20 20 20, यानी 60 रुपये की, 60 रुपये की बचत हो गई। लवन भाई साहब को दुकानदार ने रोज हमेशा हर एक महीने 300 की गेहूं खरीदते थे, इस बार भी जा करके उतनी गेहूं ले लिया और ललन भाई साहब ने 300 रुपये दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने कहा, भाई साहब ललन जी गेहूं हो गई है सस्ता और ये 60 रुपये आपने ज्यादा दिए हैं, ये आप ले लीजिए। ललन भाई साहब ने कहा, अरे पैसे का क्या करना, इसका भी गेहूं दे दो। और दुकानदार ने क्या किया, 4 किलो गेहूं और दे दिया। मतलब 4 किलो कितने रुपए में दिया, 60 रुपये में, तो 1 किलो का दाम कितना हो गया, 15 रुपये। बस यही आंसर है। एक कॉमन थिंकिंग हो, सोच हो, पेन और पेपर की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं, सवाल को कर सकते हैं, लेकिन वो सोच डेवलप करने के लिए तरीका चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, सोच को डेवलप करने की जरूरत है। तो जिनकी बैकग्राउंड इवन है उनको भी नए सिरे से इस पे काम करने की जरूरत होती है, वरना एग्जाम में क्वेश्चन हो नहीं पाते, समय निकल जाता है और फिर हाथ मलते रह जाते। इसी तरह से हर एक टॉपिक में आप क्वेश्चन करने के लिए देख सकते हैं, हर एक में क्वेश्चंस हैं जिसके आधार पर हम क्वेश्चंस किया जा सकता है। और ये 7 टॉपिक है, जिस 7 टॉपिक का आपको आइडिया होना चाहिए, ये है कमर्शियल मैथमेटिक्स। वक्त मिलता है तो मैं सब पे थोड़े थोड़े बात करेंगे और देखते हैं कि कितना कर सकते हैं। अभी पहले एक बार टॉपिक के बारे में रूबरू हो लें और फिर आगे देखेंगे। लॉजिकल मैथमेटिक्स, लॉजिकल मैथमेटिक्स, लॉजिकल मैथमेटिक्स यानी तार्किक गणित, तार्किक गणित, इसमें तर्क होता है, इसमें फॉर्मूला नहीं होता। जैसे इसमें आता है सबसे पहले क्रमचय एवं संचय, क्रमचय एवं संचय, संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक है। दूसरा इसके अंदर टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के अंदर है, इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन भी है, अरेंजमेंट भी है, सब कुछ है। तीसरा है प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये आना चाहिए। तीसरा है वेन आरेख पर, वेन डायग्राम, वेन आरेख पर आधारित प्रश्न, आरेख पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न ये आना चाहिए, वेन डायग्राम। और चौथा इसके अंदर टॉपिक हम लेते हैं कैलेंडर एंड क्लॉक, घड़ी एवं कैलेंडर, कैलेंडर। कुछ लोग इसको रीजनिंग के टॉपिक में भी मानते हैं, आप जैसा चाहें, क्लॉक एंड कैलेंडर, हम इसको लॉजिकल मैथमेटिक्स की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इसमें है लॉजिक ही, और सिर्फ घड़ी और कैलेंडर। एक साधारण सा घड़ी आप रोज देखते हैं, दिन भर पहनते हैं, पता नहीं कितनी घड़ियां तोड़ रखी होगी, कितनी बदल रखी होगी बचपन से अभी तक। एक सवाल बताइएगा, चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं।
आपके पास जवाब हो तो बताइए। घड़ी की घंटा की और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे को पार करती है, बता पाएंगे आप? घंटा की सुई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे को पार करती है, सोचिए जरा। और आपके पास आंसर है तो दीजिए, कितनी बार पार करती है और कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं? दो सवाल है, कितनी बार पार करती हैं, कितनी बार मिलती हैं? अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं किसको किसको आता है। ये टॉपिक मिटा रहे हैं, ये चार टॉपिक आपको तैयार करने चाहिए। इसके अलावा एनालिटिकल मैथमेटिक्स जो है इसकी श्रेणी में हम रखते हैं कि आपको आना चाहिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, दूसरा प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री, रैखिक ज्यामिति, इसको लीनियर ज्योमेट्री भी कहते हैं, रैखिक ज्यामिति, लाइन से रिलेटेड। उसके बाद है सर्कुलर ज्योमेट्री, सर्कुलर ज्योमेट्री, ये है वृत्तीय ज्यामिति, सर्कल वगैरह, सर्कल से रिलेटेड, यानी ज्योमेट्री कंप्लीटली। उसके बाद चौथा टॉपिक होता है क्षेत्रमिति का, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन वन, जिसमें प्लेन फिगर्स होते हैं। प्लेन फिगर्स का मतलब ये हो गया कि जिसमें बात की जाएगी वर्ग की, आयत की, और समलंब चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की, वृत्त की, ये सब प्लेन फिगर कहलाता है। इसमें सिर्फ आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई निकाल सकते हैं, इसमें आयतन नहीं निकाल सकते, ये टू डायमेंशनल फिगर होता है। तो ये है प्लेन फिगर का, और दूसरा होता है मेंसुरेशन सॉलिड फिगर का, जिसमें आपको घनाभ, घन, बेलन, अर्धगोला, बाल्टी, फ्रस्टम जिसको कहते हैं, छिन्नक कहते हैं, ये सब चीज़ें मिलेगी, शंकु, ये सब है। तो ये है सॉलिड फिगर का, सॉलिड फिगर का। तो ये है मेंसुरेशन, इसको क्षेत्रमिति कहते हैं, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति है। ये टॉपिक आना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ये टॉपिक आना चाहिए थोड़ा सा। और लास्ट ईयर तो एक सॉलिड ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आ गया था। सॉलिड ज्योमेट्री का मतलब ये था कि सॉलिड ज्योमेट्री, इससे आया था एक क्वेश्चन, ये है त्रिबीमीय ज्यामिति, त्रिबीमीय या ठोस ज्यामिति भी कहते हैं इसको, ठोस ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल फिगर, इससे भी ये क्वेश्चन आया था लास्ट में। तो ये जो आप टॉपिक है ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री है मैथमेटिक्स का पार्ट, वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन होना आना चाहिए। इसको कहते हैं आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों का निर्वचन, निर्वचन। और उसके बाद है डाटा सफिशियंसी, सफिशियंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता, आंकड़ों की पर्याप्तता। ये इतने सारे टॉपिक आपको मिला करके, और अगर बेसिक लॉगरिथम भी थोड़ी आ जाए, ऐसे अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कौन जाने आगे आ सकता है कोई बेसिक लॉग वगैरह पे, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। और ये इतने सारे टॉपिक जो है इसी के इर्द गिर्द सारे कंपटीशन में, चाहे कोई भी कंपटीशन है, इसके इर्द गिर्द रहता है। और मोस्ट ऑफ द कंपटीशन इन द कंट्री विच इज गोइंग टू बी हैपन अराउंड वन डे, इन टर्म्स ऑफ वन डे कंपटीशन, इवन जैसे SSC, CGL, बैंक, PORBI, ये सब जो भी कंपटीशन है, उन सब में भी ये टॉपिक बहुत मायने रखते हैं,
कोई खास टॉपिक किसी परीक्षा में ज़्यादा आते हैं, कोई खास टॉपिक किसी परीक्षा में कम आते हैं, लेकिन उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सी सैट में क्या डिफरेंस है कि इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये परमुटेशन कम्बिनेशन है या प्रोबेबिलिटी है, इसमें लॉजिकल मैथमेटिक्स का जैसा कि हमने कहा कि पार्ट है। एक क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज में कि एक डॉक्टर साहब की 10 में से 9 ऑपरेशन सफल करते। एक मरीज आया डॉक्टर साहब के पास और उसको पता चला कि डॉक्टर साहब पहले 9 ऑपरेशन बिल्कुल सही किए और वो उनका 10वां मरीज है, तो उसको लग रहा था कि वो पक्का मर ही जाएगा। 10 में से 9 सफल ऑपरेशन करते हैं, ध्यान से सुनिए, ये डॉक्टर साहब का रिकॉर्ड बताता था कि 10 में से 9 ऑपरेशन सफल करते हैं वो, और एक मरीज का ऑपरेशन असफल रहता है, वो मर जाता है। उसको जब क्लिनिक आया तो पता चला कि पिछला 9 ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही किया है और वो उनका 10वां मरीज है, और उसको ये शंका है कि भाई वो मर जाएगा। बताइए क्या उसका शंका जायज है या नहीं है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब स्टैट का आता था उसमें लिखने के लिए आया था। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी में कि एक आदमी का, जैसे परमुटेशन का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। परमुटेशन में क्वेश्चन आया कि 15 क्रिकेट खिलाड़ियों का समूह है, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके का। या एक बस में 6 सीट खाली है, 1 सीट महिला के लिए आरक्षित है, 1 महिला और 3 पुरुष बस में चढ़ते हैं, बताइए कि कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। यदि महिला किसी भी सीट पर बैठ सकती है लेकिन पुरुष महिला के लिए आरक्षित सीट पर नहीं बैठ सकता, मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में चीजें हो रही है उससे मिला जुला के किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं जो पिछले साल 2018 में आया था। वो क्या आया था क्वेश्चन कि एक पार्टी में ये रिवाज है, किसी पार्टी में ये रिवाज है कि समान लिंग के लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, मीन पर्सन ऑफ सेम सेक्स हग ईच अदर एंड पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स शेक हैंड टू ईच अदर, और विपरीत लिंग के लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते। एक पार्टी में, ऐसे ही पार्टी में 24 बार हाथ मिलाए गए, बताइए गले लगने की संभावित संख्या क्या हो सकती है। 4 ऑप्शन दे दिया जी, अब इसके कई आंसर होंगे लेकिन उनमें से एक ऑप्शन में दिया हुआ था। तो जो हमारे दैनिक जीवन में घटती है घटनाएं, उसी के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब आ रहा हो तो आप दे सकते हैं, हम अगली बार आपको बताएंगे कि जवाब सही था या गलत था, या आज भी बता सकते हैं अगर अभी आपने इंस्टेंट जवाब दिया तो। कोई भी आदमी बाद में भी जवाब दे, जो लोग वीडियो बाद में मान लीजिए देख रहे हैं वो जवाब दे सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अगली बार कि ऐसा क्यों था क्यों नहीं था। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि भाई ए और बी के बीच में 10 स्टेशन हैं, 4 नए स्टेशन बनाए गए, बताइए कितने प्रकार के नए टिकटों की आवश्यकता होगी यदि एक प्रकार का टिकट एक ही तरफ की यात्रा के लिए मान्य है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं जिनका मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन देखने में बड़े आसान लग रहे हैं, होंगे भी बड़े आसान तरीके से, सबका सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन सोच जो है वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि उच्च कोटि का आपका सोच होना चाहिए, और उस उच्च कोटि के सोच के परख के लिए इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमने अभी आपको 7 पहले में, 7 दूसरे में 14, और ये 8 22, और 4 लॉजिकल मैथमेटिक्स से 22 4 26, और 2 ये 28, 30 टॉपिक लगभग आपको बता चुके। ये 30 टॉपिक का आप अच्छी तरह से अगर तैयार करते हैं तो आपका सी सेट में मैथमेटिक्स अच्छी तरह से हो जाएगा। अब सवाल ये है कि लोग सोचते हैं कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे तैयारी करें। ये लाइव सेशन में सब कुछ यहाँ पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल है,
हम उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे। अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो सबको सारी एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाई जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। सब टॉपिक पे डिटेल में आपको क्वेश्चंस भी कराया जा सकता है, उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे। लाइव सेशन में सब कुछ संभव नहीं है, उसके लिए भूमंत्र फाउंडेशन जो है कुछ व्यवस्था मिल करके हम लोगों के साथ करेगा, और करके हम लोग भूमंत्र फाउंडेशन के जरिए कुछ व्यवस्था ऐसी करेंगे जिसमें कि डायरेक्ट आपको पढ़ाई जा सके। अभी हम ये बताना चाहते हैं कि आप अपने से दूर दराज में सबके लिए यहाँ पर आके पढ़ना संभव नहीं है, और सबके लिए लाइव हो सकता है, वो तो पॉसिबल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आपको क्या करना चाहिए कि आप कैसे पढ़ें, आठवीं क्लास की मैथमेटिक्स से शुरुआत करें, आठवीं क्लास की मैथमेटिक्स को खूब अच्छी तरह से पढ़ लें। और कोई और किताब आप पढ़ना चाहते हैं, मैं किसी किताब का नाम नहीं लूँगा, मैंने भी किताबें लिखी है, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही किताब पढ़ी जाए। सी सैट पे पहली किताब लिखने का श्रेय मैं ज़रूर लूँगा। इस देश में सबसे पहले सी सैट पे किताब मैंने ही लिखी थी, एक्सक्लूसिव, और बहुत ही सक्सेसफुल किताब रही है, लगातार उसे क्वेश्चन आते रहे हैं। लेकिन आप किसी की भी किताब ले सकते हैं, किताब में कोई दिक्कत नहीं है। आपको फंडामेंटल नॉलेज एक्वायर करना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए तैयारी करनी है, क्वेश्चन पेपर लगातार करते रहें, इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो सीखा वो किस हद तक कामयाब है या नहीं है। तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर करने से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सीखा वो अप टू मार्क है या अप टू मार्क नहीं है। और फिर इस पे जैसे जैसे अभी धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा तो उसके बाद देखेंगे कि कैसे आपको डिटेल स्टडी करवाया जा सकता है। अभी तो हम सब्जेक्ट की रूपरेखा बता रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है इस पर फोकस है हमारा कि क्या पढ़ना है। आप धीरे धीरे तैयारी शुरू करें, हम आपके साथ हैं और निश्चित रूप से हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे, और हर एक टॉपिक पे गहन विचार विमर्श होगा, आपके साथ साझा भी होगा, उस पर लेक्चर भी होगा। इसकी हम कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, नमस्कार। अगले दिन हम रीजनिंग के टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे पास देश के सबसे बेहतरीन टीचर इकोनॉमिक्स के हमारे पास हैं अरुणेश सिंह जी, उनका स्वागत होगा, और अगले सोमवार को इसी समय हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे और अर्थशास्त्र की जीएस में तैयारी कैसे की जाए इस पर परिचर्चा होगी। आप अरुणेश जी हमारे साथ होंगे और सर का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। वो भी पिछले 18-20 सालों से सिविल सर्विसेज को पढ़ाते रहे हैं और देश में उनका एक बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स के टीचर की हैसियत से, और उनकी ज्ञान आप लोग खुद उस दिन देख पाएंगे जब वो बताएंगे कि कैसे करना है। हमारे साथ होंगे और रीजनिंग का टॉपिक हम उसके बाद के किसी एपिसोड में किसी सेशन में लेंगे, और अगली सेशन एक्सक्लूसिव जीएस में इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें, अर्थशास्त्र की तैयारी कैसे करें इस पर फोकस होगा, और कौन कौन सी किताबें उनको पढ़ना चाहिए। मेंटल एबिलिटी की कोई भी किताब आप मार्केट से ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे उसको पढ़िए, कोई एक्सक्लूसिव किताब का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये हमारे इसके बाहर है, मैं अपनी किताब का नाम भी नहीं ले रहा। आप आराम से कोई भी किताब खरीदें जो आपको अच्छी लगे उसको पढ़ें और ज्ञान अर्जन करें, ज्ञान कहीं से भी मिले वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, इसी शब्दों के साथ आज की ये वार्ता वापस लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।